नमस्कार दोस्तों, मैं टैरो पूजा वर्मा लेकर आई हूँ 2 जून 2022 का राशिफल अपने टैरोस के द्वारा। बात करते हैं मेष राशि यानी एरिस। आइए जानें क्या कहते हैं मेष राशि के टैरो कार्ड्स। मेष राशि वालों, अननोन फियर्स रहेंगे, डर बना रहेगा, नेगेटिव एनर्जीज फील करेंगे। बात करती हूँ आपके कारोबार की, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं छोटी सी अड़चन आ सकती है। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तीनों कार्ड्स आपके कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके मन में डर है, अननोन फियर्स हैं। कल के दिन थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। बात करते हैं टॉरस यानी वृष राशि। आइए जाने क्या कहते हैं वृष राशि के टैरो कार्ड्स। वृष राशि वालों, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। वृष राशि वालों, बहुत दिनों से सोचा हुआ काम, अटका हुआ काम कल के दिन आपका बन जाएगा। वृष राशि वालों, रिश्तों में थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है। बात करते हैं जेमिनी। आइए जाने क्या कहते हैं मिथुन राशि के टैरो कार्ड्स आपके बारे में। मिथुन राशि वालों, मूड्स ऑफ रहेंगे, हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर सकते हैं। बात करती हूँ आपके काम की, काम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा रुक जाएगा। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, रिश्तों में भी छोटी मोटी अड़चन आ सकती है। बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि। आइए जाने क्या कहते हैं कर्क राशि के टैरो कार्ड्स। कर्क राशि वालों, हेल्थ में थोड़ी सी नज़ाकत रह सकती है, सर्दी जुकाम हो सकता है। बदलते वक्त के साथ, बदलते मौसम के साथ अपना ध्यान ज़रूर रखिए। बात करती हूँ आपके काम की, काम आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। बात करती हूँ रिश्तों की, अपने साथी को पैम्पर ज़रूर कीजिए। बात करते हैं लियो राशि यानी सिंह राशि। आइए जाने क्या कहते हैं सिंह राशि के टैरो कार्ड। सिंह राशि वालों, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन आपका, बहुत मस्ती में बहुत खुश रहेंगे। बात करती हूँ आपके काम की, अपॉर्चुनिटी नई आने वाली है। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है। बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि। आइए देखें कन्या राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। कन्या राशि वालों, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे, कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है। बात करती हूँ आपके काम की, काम बहुत अच्छा रहेगा कन्या राशि वालों, रिश्तों में भी मजबूती कल के दिन बनी रहेगी। बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। आइए जाने तुला राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तुला राशि वालों, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। तुला राशि वालों, बहुत तेज़ी से ग्रोथ आपको बिजनेस में मिलने वाली है। तुला राशि वालों, रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरी आ सकती है। बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। आइए जाने क्या कहते हैं वृश्चिक राशि के टैरो कार्ड्स। वृषभ राशि वालों, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव फील करेंगे, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। बात करती हूँ आपके कारोबार की, बहुत सारे प्रतिद्वंदी आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, रिश्ते आपके बहुत मजबूत रहेंगे। बात करते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। आइए जाने धनु राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। धनु राशि वालों, कल का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। धनु राशि वालों, स्टेबिलिटी आएगी कल के दिन आपके कारोबार में। धनु राशि वालों, रिश्तों में भी कहीं ना कहीं बहुत नज़दीकियां बन सकती हैं। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। आइए जाने मकर राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। मकर राशि वालों, हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, शुभ सूचना मिल सकती है, कहीं आस पड़ोस का घूमने का विचार बन सकता है। बात करती हूँ आपके काम की, काम में निराशा हाथ लगेगी। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, बहुत बढ़िया रहेंगे रिश्ते। जिन बच्चों के शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं, मैरिज की डेट फिक्स हो सकती है। बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि।
आइए जाने क्या कहते हैं कुंभ राशि के टैरो कार्ड्स। कुंभ राशि वालों, कल के दिन हेल्थ का ध्यान रखना अनिवार्य रहेगा। कुंभ राशि वालों, कारोबार कल के दिन आपका अच्छा रहेगा, ऑफिस में भी प्रमोशन के चांसेस मिल सकते हैं। बात करती हूँ आपके रिश्तों में, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, रिश्तों में बैलेंस बना रहेगा। बात करते हैं पाइसिस, आइए जाने क्या कहते हैं मीन राशि के टैरो कार्ड्स। मीन राशि वालों, कल के दिन अच्छा रहेगा, तबीयत बहुत अच्छा फील करेंगे। मीन राशि वालों, कारोबार में नज़र लग सकती है, कहीं ना कहीं ऑफिस में भी किसी कुलीग के साथ कहासुनी हो सकती है। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, रिश्तों में भी कहीं ना कहीं रिश्तों के दरमियाँ थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें।